हमारे बच्चों को जो जिले स्तर से टॉप थे अपने अपने कॉलेज में, उन बच्चों को आज हमारी संस्था ने यहाँ सम्मानित किया। किस प्रकार का प्रोग्राम ये आपकी सोसाइटी हर बार करती है? ये अमूमन 8 साल से ये पूरा हम लोग का चल रहा है, और माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ऐसे कॉलेज के बच्चों को जो जिनकी पहचान नहीं हो पाती, शिकायत नहीं हो पाती, और वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या इस तरह रहते हैं कि उनको कोई देख नहीं पाता, तो ऐसे बच्चों को हम लोग ढूंढते हैं और उनको निखारने का प्रयास करते हैं, उनकी छिपी हुई प्रतिभा को हम लोग उजागर करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग पूरे जिला स्तर पर ऐसे कॉलेजों में जाकर ढूंढते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता, और उन कॉलेजों के टॉपर बच्चों को हम लोग यहाँ पे सम्मानित करने का काम करते हैं। जो टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं, उनको हम लोगों ने नाम दिया संक्षिप्त मेघावी सम्मान समारोह। किस स्टैंडर्ड क्लास के आप लोगों को बच्चों को लेते हैं इसमें? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मदरसा बोर्ड के सभी उन बच्चों को जो इस बार 2024 की परीक्षा में 10 और 12 पास किए हैं, अपने कॉलेज में टॉपर हैं, उन बच्चों को हम यहाँ बुलाकर सम्मानित करते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के मकसद से। कौन मुख्य अतिथि थे आज के प्रोग्राम का? आज के कार्यक्रम में हमारे तमाम मेहमान मौजूद थे, और खुशन मुख्य अतिथि हमारी थी मछलीदार के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर, जिन्होंने बच्चों को बड़े अच्छे से मोटिवेट किया और अपनी स्पीच के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करने का काम किया, और ये सुझाव सीख दी ये बच्चे आगे बढ़ के कामयाब हो। पिछले साल से इस बार क्या डिफरेंसेस आया है? बच्चे बहुत तेज़ी से ऊपर की ग्रोथ में जा रहे हैं। पिछले साल हाईएस्ट 92 था, इस बार 98 हाईएस्ट है, और उन बच्चों को भी हम लोग मुबारकबाद देते हैं जो इतनी मेहनत मशक्कत करके 98 एवं ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय में भी इस तरह के बच्चे हैं जो 98-97 ला रहे हैं। आज हम लोगों ने ऐसे 3 बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने एवं 98% लाया, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों बच्चियाँ थी। ये एक अच्छा मैसेज हमारे समाज के लिए है कि जो तीनों बच्चियाँ आज फर्स्ट रैंक लाई वो एवं 98। गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो गर्ल्स हमारे कॉम में पहले से कहा गया कि वो दो घरों को संवारती हैं, सजाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, और लेकिन ये हम लोगों ने देखा कि बड़ी तेज़ी से गर्ल्स हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपने आप को निखारने का प्रयास कर रही हैं।